मैं अभी दो क्लासेस पढ़ा कर आ रही हूँ, तो अगर लगे थकी हुई तो आई ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी बेटा, बेसिकली कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आई शेयर विद यू एज टिप्स एंड देन यू आस्क यू क्वेश्चंस। श्योर मैम। बेटा देयर आर टू स्पेक्ट्रम्स टू लुक एट लाइफ। आपने कभी वो एग्जांपल सुनी होगी कि अगर आधा ग्लास भरा हो जी, तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये आधा ग्लास खाली है। Those are the people who consider life and life experiences as negative. वो चीजों को positive की जगह negative angle से देखते हैं, ठीक है? और उसी के बरक्स कुछ लोग वो होंगे जो कहेंगे ये आधा तो भरा हुआ है, at least there is something in it. This is not totally empty. हमने अपने आप को उन लोगों में लाना है जो life को positively देखते हैं, ठीक है? आप अभी तक जो जिंदगी गुजार चुके हैं एंड फ्यूचर द लाइफ विल लिव, बहुत कुछ हमने एक्सपीरियंस किया होगा, बहुत कुछ हम लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे होगा। कहते हैं जिंदगी का हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ पिछले दिन से मुख्तलिफ होता है। कोई नया इंसिडेंट हो जाएगा, आते हुए हमको एक्सीडेंट देख लेंगे, घर से निकलते हैं से पहले अम्मी से लड़ाई हो जाएगी, होता है ऐसे कुछ ना कुछ रोज मुख्तलिफ होता है। कभी टीचर से डांट पड़ जाती है, कभी हमारा कसूर होता है, कभी नहीं होता, लेकिन हम हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ऐसे? अच्छा, अब आपने जिंदगी में कीप इन माइंड, हम कंपैरिजन भी करते हैं दूसरों से, दूसरी की फलाने की हाइट मेरे से ज्यादा अच्छी है, फलाने के कॉम्प्लेक्शन मेरे से ज्यादा फेयर है, फलाने की ड्रेसिंग मेरे से ज्यादा अच्छी है, फलाना गाड़ी पे आता है, मैं पॉइंट पे जाती हूँ, करते हैं कंपैरिजन। अच्छा बेटा, कीप इन माइंड देयर आर टू वेज टू कंपेयर, इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स दोनों आ जाते हैं। कैसे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी दूसरों की जिंदगी की तरफ देखते रहते हैं और अपनी जिंदगी पे कुड़ते रहते हैं, काश मेरे पास ये होता, काश मेरी शक्ल थोड़ी सी ऐसी हो जाती, काश मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अच्छा होता, होते हैं सब, काश मैं इतनी मोटी ना होती, काश मेरी हाइट ऐसी होती, काश फलाने की जगह मेरा CGPA ज्यादा होता, करते हैं? अच्छा, जो लोग ये करते रहते हैं बेसिकली वो अपनी लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं, ऐसे ही। बट देर आर अदर वेज टू लुक एट अदर्स लाइफ, और वो ये है कि मैं ये देखूं कि अच्छा अगर फलाने के पास ये है तो देर मस्ट भी कोई ना कोई आजमाइश होगी उसकी जिंदगी, कोई ना कोई चीज उसके पास ऐसी नहीं होगी जो मेरे पास है। लेट्स से एक बच्चा है, बहुत गुड लुकिंग है, ठीक है, बहुत ब्राइट है, बट दैट चाइल्ड इज डूइंग अनदर जॉब, पार्ट टाइम जॉब कर रहे क्योंकि उसके पास फादर नहीं है, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव फादर। अच्छा, एक और इंसान है जो बहुत अच्छा, बड़ी अमीर कबीर जिंदगी गुजार रहा है, बड़ी लेविश लाइफ गुजार रहा है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, गाड़ियों से उतरता है, बट मैं उससे फील करती हूँ, उसको देख के मुझे एहसास होता है कि वो जो है वो अपनी लाइफ में खुश उतना नहीं होता, उसकी स्माइल में फेकनेस है। Although the person has everything, ऐसे ही, लेकिन मेरे पास वो सब कुछ नहीं है, बट आई हैव रिलेशनशिप्स, आई हैव फ्रेंड्स, उसका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है ना? तो बेसिकली ये याद रखो, अगर किसी के पास कुछ है तो उसके पास कुछ ऐसा होगा जो आप, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपके पास है। तो हमेशा लोगों की जिंदगियों के साथ कंपैरिजन जब करो तो ये भी देखो कि अच्छा अगर उसके पास ये चीज है तो कुछ तो होगा ऐसा जो मेरे पास है और उसके पास नहीं है। मे बी मैं उतनी खूबसूरत नहीं हूँ, बट आई हैव मोर इंटेलिजेंस, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, मेरी स्टाइल ऑफ स्पीच बहुत अच्छा है, फलाने की शक्ल अच्छी है, पर बोलता है तो बंदा कहते हैं अल्लाह काश ही ना ही बोलता। लुक्स करा, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो बड़े प्यारे होते हैं लेकिन हम कहते हैं काश ये जबान ना ही खोले, सारे पेट खराब हो जाते हैं, होता है ऐसा, बड़ी क्यूट लड़की होती है अस्सलाम वालेकुम लाहौल वाला बोले ना ही बोले, होता है ऐसा। यस मैम। कुछ ना कुछ हम सबकी लाइफ में ऐसे जो चैलेंज है और कुछ ना कुछ हम सबकी लाइफ में ऐसे जो ब्लेसिंग है। नहीं नहीं बन रही मैम, बन रही है, दोबारा बोलना पड़ेगा तो मैं नई चीजें बोलूंगी। अच्छा ठीक है, तो बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर द थिंग्स ही हैज गिवन यू। यस मैम। ठीक है, अच्छा दूसरा, ट्राई टू मेक योर लाइफ बेटर,
हम किस घर में पैदा हुए वो हमारी चॉइस नहीं थी जी. हमारे पेरेंट्स भी हमारी चॉइस के नहीं थे, हमारे बहन भाई भी हमारी चॉइस के नहीं थे, हमारी पुप्पी खाला मामू कजन हमारी चॉइस के नहीं थे, नहीं थे. अच्छा, हम अपना फाइनेंशियल स्टेटस जिस घर में पैदा हुए पैदा होते तब्दील नहीं कर सकते जी, लेकिन हम अपनी मेहनत से अपना फ्यूचर तब्दील कर सकते हैं, कर सकते हैं. हम अपने रिलेशनशिप की मैनेजमेंट से उन रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं. लेट्स से मेरे वालदैन बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, अज्यूम करते हैं ठीक है, और वो अच्छा ट्रीट नहीं करते, क्या मैं पढ़ के बाअदब तरीके से उन्हें बता नहीं सकती कि आप इस तरह की जगह अगर इस तरह आपके के बात करेंगे तो वो आप ज्यादा अच्छे लगेंगे या अम्मी आप ज्यादा अच्छा कंडक्ट हो जाएगा आपका. हम अपनी जिंदगी का पास नहीं चेंज कर सकते, बट कीप इन माइंड वी आर द वन हु कैन चेंज द फ्यूचर और प्रेजेंट और आवर प्रेजेंट. यस, और याद रखो जिंदगी में कोई कामयाबी नहीं है बगैर मेहनत के. कुछ लोग होते हैं ना आजकल तो टिकटॉक का जमाना है, दो पुटी सीटी वीडियोस बनाई वायरल हो गए, वायरल हो गए. हां जी, ये मैं हूं, ये मेरा बैग है और गया ये मैं. हां यस सर, वो तो सबसे बड़ा. हां जी, और वो क्लिप अच्छा, लेकिन हम बार-बार देखते हैं जी. अच्छा, लेकिन कीप इन माइंड ये जो होगा ना एक बबल की तरह होगा. आप फेमस हो गए थोड़े से अरसे के लिए, चार दिन लोग आपको डिस्कस करेंगे एंड देन यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ पास्ट जी. कामयाबी वही देर पा लंबी रहने वाली ज्यादा इज्जत वाली है जिसके अंदर हमने मेहनत की. शॉर्टकट्स की सक्सेस भी शॉर्टकट ही होती है. बबल की तरह आप एकदम ऊपर जाओगे वो कभी आपने देखा जो उसमें गैस बड़ी होती है जी, जब फुल गैस बड़ी होती है तो ऊपर ऊपर को उछल रहा होता है जी, और आप अगर धागा छोड़ दो तो निकल जाता है आपके हाथ जी, ऐसे ही है. यस, लेकिन अगर उसकी गैस लीक होना शुरू हो जाए तो फिर वो बेचारा नहीं सी तो अगर और गैस लीक होने से मेरे मुराद ये है कि अगर आपका करेक्टर आपकी नॉलेज नहीं है ना ऐसी कि आप ज्यादा अरसा चल पाए तो लोग आपको बड़ी जल्दी फरामोश कर देंगे. आप मीडिया के लोगों को देख लो, एक ड्रामा चलता हिट हो जाते होते हैं सर. यस, हम सफर देखा होगा आपने. यस यस, मायरा खान कहां से कहां पहुंच गई थी जी, ऐसे ही वो अब गायब हो जाए किसी को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसके उसकी जगह 15-20 और आ गई है. ऐसे ही तो याद रखना कामयाबी वही है जो बड़ी मेहनत के बाद और वो देर पर होगी. और अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके कंडक्ट में वो एजुकेशन डिस्प्ले नहीं होती, नजर नहीं आती, इसका मतलब ये है कि आपने इल्म से आपने डिग्रियां ले ली लेकिन आपने सीखा कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. आप बेटा आपके बोलने से, क्लास के बाहर आपके चलने फिरने से, किसी से कोई चीज ली है उसे अगर आपने लेनी है तो एक्सक्यूज मी कैन आई टेक इट, आपके बोलने के अंदाज से, आपके लेने देने के अंदाज से, हर अंदाज से आपकी तालीम झलकनी चाहिए. अगर वो आपकी तालीम नहीं झलकती तो अनफॉर्चुनेटली आप डिग्री तो ले लोगे लेकिन आप कामयाब इंसान नहीं बन सकते. नहीं बन पाओ. अच्छा, एक और चीज, अक्सर हम सोचते होंगे आप, मैं भी टीचर हूँ, आप बड़े बड़े टीचर्स से मिलते हो और उनके मुंह पे बड़ी बड़ी इज्जत भी करते हैं, जी सर, जी मैम, जी सर, लेकिन हम दिल से किसकी इज्जत करते हैं? बहुत कम. बहुत कम की करते हैं. और जिनकी करते हैं क्यों करते हैं? उनके पास इल्म होता है, करैक्टर, उनके पास करैक्टर होता है, उनके पास वैल्यूज होती है, ऐसा होता है. Yes, miss. अच्छा, वो टीचर जिनकी मजबूरी है यार ग्रेड लेना, 80 ग्रेड आने, प्लस मार्क्स आने चाहिए, कोई नहीं खरांट है तो क्या इज्जत कर लेते. जी सर, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल. लेकिन पीछे जाएंगे मनूस कहीं नहीं ऐसे. कैसे? तो बता, याद रखो हमने वो इज्जत कमानी है जो हमारे मुंह पे ना हो. इज्जत कोई मुफ्त में नहीं देगा. बड़ी जिंदगी लगती है बेटा. यस मिस. बहुत मेहनत लगती है. अपनी लाइफ में कोशिश करो अब सारे रहने कि अपने लिए कुछ कर पाओ और अपने वालदैन के लिए. देखो बेटा, मैं आप में से सारे लोग शायद जॉब नहीं करेंगे जी, ठीक है ना, कुछ लोगों की शादी हो जाती है, सिनेरियोस नहीं होते, कुछ को जरूरत नहीं पड़ती. अच्छा, चलो शादी सबकी हो जाती है लेकिन सारे उसके बाद जॉब कंटिन्यू नहीं करते जी मैम, या अपनी स्टडीज को आगे नहीं कर सकते, आगे नहीं पढ़ पाते. नहीं नहीं भी ठीक है, ठीक है, बुला लूँगी. एक परफेक्ट हाउसवाइफ वाली जिंदगी गुजार रहे हैं कुछ, ठीक है. लेकिन याद रखो अगर मेरे घर के रहन सहन में भी और मेरी औलाद की परवरिश में मेरी तालीम नहीं झलक रही तो इसका मतलब है कि मैंने अपने वालदैन के पैसे जाया किए. अगर मेरे ससुराल वालों के साथ मैं गालम गलोच करती हूँ
और वो कहते हैं कुड़ी बड़ी बदजबान है, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने माँ बाप की परवरिश को ज़ाया कर दी है, मैंने उनकी सारी मेहनत ज़ाया कर दी है। तो याद रखो, हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम अपनी फैमिली और अपनी तालीम और अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत साथ लेके निकलते हैं। जी अवैस को शेयर करना चाहिए। ओके अच्छा, अब कोई चीज़ जो आप पूछना चाहो आई थिंक उस पर आ जाते हैं। मैडम वही मैंने जो आपसे पहले क्वेश्चन किया था कि मतलब आपके हाउ आई मैनेज ऑल दीस थिंग्स। जी बेटा, वो लोग जिनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है वो अपनी जिंदगी में तमाम चीज़ें कर लेते हैं, हर चीज़ का टाइम फिक्स करते हैं। ठीक है, देर इज अ टाइम फॉर वर्क एंड देर इज अ टाइम फॉर रेस्ट। आपका एक स्केड्यूल होगा तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुकिंग करती हूँ वो मैं करती हूँ वीकेंड्स, क्योंकि वीकेंड्स में मेरी मदर इन लॉ हयात है, अल्लाह ने जिंदगी दी। क्वेश्चन ये है कि आप रेगुलर कुकिंग करती हैं? जी बिल्कुल करती हूँ, और आपने खाई हुई है नहीं मेरा नहीं खाती बेटा, मैं कुकिंग करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से आप हर चीज देख के करते हो, हम हर चीज इंस्टेड ऑफ सीइंग स्मेल एंड टच लिसनिंग स्मेल टच, ये तीनों चीज़ें हमें बताती हैं जो चीज़ें आप आंखों से करें। अच्छा आपको उसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, चाय बनाते हैं हम सब, क्या करते हैं अक्सर लोग, दूध डाला, पानी डाला, पत्ती ठोकी, पकने दिया, ऐसे ही है। यस मैम। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ बड़े मेहनत से और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, पानी आधा कप डाला, उसको चूल्हे पे रखा हल्की आंच में, उसके अंदर लाची डाली, लाची की जब खुशबू निकलेगी उसके बाद पत्ती डालूंगी, और जब पत्ती पूरे पानी के अंदर पकना शुरू हो जाएगी उसकी एक ना शुरू की हल्की हल्की सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, इसका मतलब होता है कि पानी फुल गर्म हो गया है और पत्ती जो है वो फूल गई है उसमें और उसका कलर आ गया है, फ्रेग्रेंस आ गई है। उसके बाद दूध डालूंगी और जब दूध पकना शुरू हो जाएगा, मुझे लग जाएगा कि अभी पक रहा है, तो उसके बाद चीनी डाल के फिर उसको कैसे लगेगा यार फ्रेग्रेंस होती है उसकी, कच्चे आप जब पत्ती के अंदर दूध डालते हैं ना तो कच्ची पत्ती की फ्रेग्रेंस होती है, वही जब पक जाती है तो उसकी फ्रेग्रेंस भी चेंज आती है। और आप लोगों ने कभी भी फ्रेग्रेंस को स्मेल किया ही नहीं होगा। आज अगर किसी ने जाके चाय बनाई है तो होती है। अच्छा फिर उसके बाद जब आप चीनी डालो तो उसकी फ्रेग्रेंस में और तब्दीली आती है। ठीक है, और आपको फिर एक एक टाइम आता है जब आपके एक पकी हुई चाय की ना बड़ी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती है, यू नो इट, ये पक गई है, अब इसे ज्यादा पकाया तो सूख जाएगी, इंतजार करना मुश्किल हो जाता है बन गई है वो। नहीं नहीं फ्रेग्रेंस से मैं देखती हूँ, कभी कभी जलती हूँ वो आपको पता होता है, लेकिन मैं फिर बता भी देती हूँ कि आज मेरी चाय अच्छी नहीं बनाई। हेलो हेलो हेलो, मूवमेंट बंद करो, अपनी सीट से बैठो। हाँ जी, और कोई सवाल? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग के पास तो सॉइल सेंसेस हैं और हम लोग मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग फील करते हैं अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा, जब हमें लोग डिस्करेज करते हैं, तो आपको जब लोगों ने डिस्करेज किया तो आपने अपने आप को कैसे इनक्रेज किया, मतलब कौन से ऐसे मोमेंट्स थे, वीक पॉइंट्स जहाँ पे आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को हेल्पलेस फील किया? बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, और हम सब इंसान ऐसे मोमेंट्स आते हैं, और कीप इन माइंड अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी को कोई अयाशी के लिए नहीं बनाया। अल्लाह कुरान में कहता है और बेशक मैंने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया, तो वो तो हम बेवकूफ है ना जो इस दुनिया में अयाशी तलाश कर रहे हैं, सुकून तलाश कर रहे हैं, वो कब्र में है मौलाना इमरान खान दूसरी बात कि आप डिप्रेस्ड होते बिल्कुल होते हैं। मुझे याद है जब मैं स्कूल से कॉलेज में गई थी, क्योंकि स्कूल में तो सारे आपके आप जैसे पीयर्स होते हैं, वो तमाम पीयर्स थे, स्कूल की ब्लाइंड का था असल में। ठीक है, तो वहां पर अगर कोई गिरता भी था तो अगर हम एक दूसरे पर हंसते थे तो हमें फील ही नहीं होता था, ऐसे लगता था जैसे हम आपस में फ्रेंड्स नहीं कर रहे होते, कभी फील ही नहीं हुआ। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई और हर बंदा मुझे देख के, मैं तीन के साथ क्योंकि मूव कर दी थी, अरे बेचारे को कैसे
और साइड पे जो साइड पे साइड पे साइड पे साइड पे और साइड पे अगर भी देखते रहते हैं गाइड नहीं करते हैं गाइड नहीं करते ऋषि बात है कि आपके पर आपके मुंह पे तबसरे कर रहे होते हैं और वो समझ लेते हैं शायद हम सुन भी नहीं रहे ये पे कलिमा है हां अक्सर लोग समझते हैं कि हम सुन नहीं रहे हमारे पास खड़े होकर हमारे बारे में बात कर रहे हैं अब कह रहे थे यार कैसे दिन गुजार दिए ठीक है अच्छा उस इतना बड़ा डिप्रेशन कि यार व्हाई आई एम द वन जिसको लोग इतना मुंडा समझ रहे हैं जिसके बारे में हर कोई क्यूरियस है हर कोई कमेंटिंग कर रहा है ठीक है मैं घर जाती थी मैं उस वक्त सामने भी रो पड़ती थी क्योंकि मुझे रोने का बहुत शौक है अच्छा ठीक है ओके और फिर क्या होता था मैं बहुत डिप्रेस होती थी क्योंकि मैं जान नमाज में अल्लाह से बात करती थी और जब मैं कभी जान नमाज में रो के उठती ना तो मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे अंदर बहुत एनर्जी जब आप अल्लाह से शेयर कर दो ना उसको कह दो अल्लाह ताला मेरे लिए जिंदगी आसान कर दे मैं अभी भी नमाज में एक दुआ मांगती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि हर कोई मांगे क्योंकि फिर अल्लाह ताला बहुत पावर देता है मैं रोज एक दुआ करती हूँ अल्लाह मुझे अपनी जात के अलावा कभी किसी की आगे और बाखुदा आप उससे दुआ करें वो कभी नहीं झुका और वो रास्ते निकालेगा जो आपने सोचे भी नहीं वो उन जगहों से आपकी मदद कराएगा कि जो लोग कभी मदद करने वाले नहीं होंगे वो दिलों में डाल देगा वो रास्ते बना देगा तो बेटा हम सब डिप्रेस होते हैं जब डिप्रेस्ड हो कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर जब डिप्रेस्ड हो तो अच्छी बातें इंस्टेड ऑफ दुखी गाने सुनो सुनना शुरू कर दो साया भी साथ जब चोटे ठीक है वो सुनने की जगह ये है कि आप कोई अच्छी चीज सुनो कोई पॉजिटिव चीज सुनो अच्छे लोगों की सोबत में बैठो आप कम डिप्रेस हो अच्छे आ गई आओ ऐसे चलते हैं तो
दीदी इसका हाथ पकड़ पकड़ क्यों फिरते हो, जरा दो दिन उसका हाथ छोड़ दो, तीसरे दिन यूनिवर्सिटी में नहीं हो। अच्छा उसकी कोई ऐसी ईगो पे आ गई बात कि इसने मुझे क्यों छोड़ दिया, इसको तो मेरी मिन्नत करनी चाहिए थी, प्लीज मुझे लेकर जाओ। और फिर क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के, तो उसने कहा कि इसको ना टीचर ने तरस खाकर अंदर मेरी तब बस हो, क्योंकि मैं उसके रोज टॉर्चर सुनती थी और मैं घर जाकर रोती थी। मैंने अपनी टीचर को बताया, मैं तो मैम मुझे इस तरह से रोज टॉर्चर करती है, कभी भुकारी कभी कुछ, मैं थूकू मीना दैट। तो मेरी टीचर आगे से उससे ज़्यादा गुस्से की पकी, उन्होंने क्या किया एग्जामिनेशन से परमिशन ली, मेरा पेपर का प्रिंट आउट लेके आया, क्योंकि मैं कंप्यूटर पेपर देती थी तो मेरा टाइप पेपर होता था, पढ़ना बड़ा आसान होता था, तो वो मेरे पेपर का प्रिंट आउट लेकर आ गई, कहती है किस किसने पढ़ा, उस बच्ची का नाम लेके कहती है कि सबसे पहले बेटा आप पढ़ो, आपको लगता है मैंने इसे सिंपथी की वजह से मार्क्स दिए, इसको 86 मार्क्स सिंपथी की वजह से नहीं मिले, इसकी अपनी मेहनत की वजह से मिले। अच्छा वो टीचर ने खैर क्लास में समझाया भी, लेक्चर भी दिया उसने पढ़ाने की जगह, समझाया क्लब बाहर निकल के कहती है इस जैसे लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते, टीचर्स को ले आते शिकायत पूरे इंस्टेंट क्या फिर भी रियलाइज कर नहीं हो सकती थी। और उसकी ईगो का इशू बन गया था कि आप ये अपनी सेल्फ एस्टीम कैसे बचा रही है, मैं तो इसको रोज टॉर्चर करती हूँ, ये क्यों अभी तक चल रही है। अच्छा जी खैर उसका वो सारा सिलसिला चलता रहा। देयर कम्स अ पॉइंट इन, मेरे साथ क्लास में कोई बात नहीं करता था उसकी वजह से, क्योंकि वो कहती थी उससे बात करोगे तो मेरे से बात नहीं, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली ऐसा हुआ जब मेरा पेपर भी सबने पढ़ लिया तो सारी क्लास ने उसको रियलाइज कराया कि यू आर रॉन्ग शी इज राइट। तो फिर 2 महीने बाद आकर उसका उसके भाई का बाजू टूट गया, तो उसको रियलाइज हुआ शायद मुझे दुआ लग गई, तो शी एक्सक्यूज फ्रॉम मी, तो उसको तब रियलाइज हुआ कि नहीं भाई मैं तो टॉर्चर कर रही हूँ। और वो टाइम बहुत मुश्किल था बेटा, मैंने मुझे ऐसा लगता था मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ, आई गिव अप, मतलब मैं एक बंदा मुझे रोज टॉर्चर करता है मुझे देख कर अजीब अजीब और वापस इशारे करती थी, मैं तो थूकू मिला ऐसे करके, इस तरह की उसने कोई हद नहीं छोड़ी जो कर सकते। आज की कामयाबी है जो हमें इन चीजों के ऊपर स्माइल करने पे इंड्यूस कर रही है, अदरवाइज दीस थिंग्स आर अनबेरेबल। अगर हम अपने आप को 20 साल पीछे ले जाएं, जब हम लोग थे 17, 18, 20, तब ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग थी, वो आज ऑब्वियसली वी हैव कम ऑफ एज, वो हमारे पेरेंट्स की मेहनत, अल्लाह ताला का करम, एक मजदूर सारा दिन 100 रुपए खाता है, क्या उससे ज़्यादा मेहनत दुनिया में कौन करता होगा। मेरा थोड़ा सा बिलीफ इस हवाले से डिफरेंट है, मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो मेहनत है, सिर्फ मेहनत आपको सब कुछ नहीं देती, कुछ ना कुछ तकदीर भी है। एक मजदूर से ज़्यादा ईंटें कोई नहीं उठाता, एक मजदूर से ज़्यादा रेत कोई नहीं उठाता, उसे दिन के आखिर में पसीना खुश्क होने से पहले उसकी दिहाड़ी नहीं मिलती। तो इसमें मेहनत ज़रूर करें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में पे कर दे या इस दुनिया के बाद आखिरत में पे कर दे, वो उसके इख्तियार में है। हमारे इख्तियार में ये है कि हम पॉजिटिव पॉइंट्स को जितना ज़्यादा स्नैच कर सकें वो हम करने के बाद आगे चल सकें। अल्लाह बहुत बेहतर जानता है, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना। बड़ा दबदबा आया सी पता, माशाल्लाह उसकी गुड़ी बड़ी है, स्टोरी करवा दी। बहुत अच्छी बात है, ये हर रिलेशनशिप जो है ना उसकी ड्यूटी है, बट हर रिलेशनशिप के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
डीपली अटैच्ड, ठीक है। ये आपको पता है आम हालात में भी शादी से पहले लड़कियां हंसी मजाक इमेच्योर, अम्मा अब्बा को जवाब दे दिया, लड़ लिया, ऐसे ही होता है ना। यस मैम। अच्छा अब जब शादी होती है तो यू हैव टू लिव एन एंटायरली डिफरेंट लाइफ, आपका एक कंपेनियन होता है एंड फॉर उस कंपेनियन के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप होना, फ्रेंडशिप होना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना बड़ा जरूरी होता है। मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आया, उसकी वजह यह कि मैं और अवैस दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। माशाल्लाह। भी बोला तो मैं हाथ से कम नहीं डाली। आप कुछ कहेंगे? आपका अगला लेक्चर है आज? नो सर। अच्छा मुझे तो सुनते रहते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आज वो कुछ डिफरेंट सुने। अच्छा मैं आपकी मिस जी भी आपको सर में अच्छी बात क्या लगी सबसे अच्छी? ओह अगेन गुड क्वेश्चन आगे पूरा पैकेज ही अच्छा, ठीक। पहले कंप्लीट कर लें, आपने कोई मुजीद करना है आंसर अभी इस जवाब का? नहीं नहीं मैं तो दे दूंगा नहीं, मेरे लाइफ में आने के बाद चेंज क्या है आपने वो बताएं। सुनना चाह रहे हैं बताएं, कोई चेंज भी नहीं आया मेरा ख्याल से, क्योंकि शायद वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ की लाइफ थी। नहीं सर इस एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब ये है कि मतलब पहले आप एक अकेली थी, मतलब अब जब आपको एक साथी मिल गया तो आपने कैसा फील किया? मतलब आप पहले हेल्पलेस फील करते होंगे जब आप लाइफ में कभी भी आपको कोई बिल्कुल कर सकते हैं और हम एक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में और अब मैं उतना शायद डिप्रेस नहीं हूं कि बस यही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने देखें मॉरल सपोर्ट मेरे नजदीक जिंदगी की फाउंडेशन है। As long as you people have moral support from each other, आपको मैंने पहले भी शवाक अहमद की एक बात शेयर की थी कि ज़िंदगी में खुदकुशी तब होती है जब आपके पास कोई ऐसा कंधा ना हो जिस पर सर रख के आप रो सकें। जब तक आपके पास moral support sharing के लिए कोई soul मौजूद है, human being मौजूद है, तो आप कभी भी डिप्रेस नहीं होते, आप हमेशा रिवाइव करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आयशा की जो PhD थी इट वॉज इन ऑब्वियसली पोस्ट मैरिटल रिलेशन, 2015 में एडमिशन हुआ और अभी थीसिस स्टार्ट भी नहीं हुआ था तो इन्होंने मेरे साथ थीसिस कर लिया। तो जो 4 साल PhD के थे, PhD इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, उसके अंदर बहुत दफ़ा ऐसे फेजेज आते हैं जब आपको सुपरवाइजर बार बार रिवाइव करने के लिए कहते हैं आप इसकी रिविजन करेंगे बिल्कुल गलत है दोबारा लिख के लाएं। एक इन्होंने रिसर्च प्रपोजल बनाया वो कम्प्लीटली जो सुपरवाइजर थे उन्होंने रिवैम्प कर दिया, उन्होंने कहा ये गलत है दोबारा बनाएं, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस एंगल पे काम ना करें, आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आए। तो ऐसी स्टेज में शी गॉट डिप्रेस्ड है, लेकिन मैं हमेशा सपोर्ट करता था कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हो जाएगा, ये आपका ही काम है जो रिफाइन हो रहा है। जैसे मैं आपको कहता था ना टाइटल पेज ऐड कर लें काम रिफाइन हो जाएगा, कंक्लूजन ऐड कर लें, तो मैं आपको 5-5 नंबर भी दे सकता हूँ असाइनमेंट में, राइट, बट आई वॉन्टेड कि आप अपना काम थोड़ा बहुत रिफाइन करें और आपकी लर्निंग हो। अगर से ये मुश्किल चीज़ होती है, मेरे लिए भी मुश्किल है, मुझे 2-2 दफ़ा चीज़ पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोग इम्प्रूव करें। अगर एक चीज़ मिस हो गई तो एटलीस्ट आपको उस चीज़ का पता चल जाए कि हमें आइंदा ऐड करनी है इन फ्यूचर। तो इसी तरह मैं सपोर्ट करता था बहुत ज़्यादा। फिर उसमें कुछ फेजेस ऐसे थे कि MS वर्ल्ड में एक होता है ट्रैक सिस्टम, आप MS ट्रैक चेंजेस रिकमेंड कर देते हैं सुपरवाइजर जो हमारा सॉफ्टवेयर रीड नहीं करता, हम MS वर्ड को रीड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर से लेकिन वो जो ट्रैक चेंजेस के कमेंट्स हैं वो मेरा सॉफ्टवेयर रीड नहीं करेगा।
तो उसके लिए असिस्टेंस लेनी पड़ती है बार बार, और बाद बार ओवर असिस्टेंस आपको इनोय करती है कि क्या मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं कब तक ये हेल्प लूँगा या कब तक मैं हेल्प किसी की मुझे लेनी पड़ेगी। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं ना, इनमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मॉरल सपोर्ट मेरी तरफ से काफ़ी रही। और अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरी लाइफ में क्या चेंज आया, आयशा एज ए ह्यूमन बींग ही इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल सोल। आयशा एज एन ह्यूमन बींग शी इज़ अ वंडरफुल सोल। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं है, शी इज़ अ फैंटास्टिक काउंसलर। आप लोग अपनी ज़िंदगी में जब चाहें किसी किस्म की काउंसलिंग बात करनी है, शेयरिंग करनी है, एट एनी टाइम। मेरी नेचर का शायद आप लोगों को 2-3 माह से ज़्यादा हो गया होगा। आई एम यानी खुद कहना तो चाहिए अपनी तारीफ, लेकिन आई बिलीव आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, आई एम हम्बल एज हम्बल कैन बी। और आयशा बहुत अच्छी काउंसलर है, बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, काइंड हार्टेड हैं। ये जो फीचर हैं आज के दौर में आपको इंसानों में नहीं मिलते। हम अपने लिए एक फीचर बना चुके हैं कि अगर कोई मेरे से डरता है तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मेरा बड़ा डेकोरम है। मैं उस टीचर को नाकाम टीचर समझता हूँ, बच्चा जिससे बात करने में डर फील करता हो कि यार टीचर पता नहीं क्या कहेंगे। हमें भी डर लगता था, मेरे अपने भी 2-3 ऐसे टीचर थे कि हम उनके रूम के बाहर खड़े होते थे कि यार नो करें या वापस चले जाएं, और वहीं से बार बार वापस चले जाते थे कि नहीं यार आओ बस्ती ना हो ये काल सही। अच्छा एक दिन और काट लो, तो फिर हम घर चले जाते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अपने अंदर ऐसा फियर ना पैदा करें जो दूसरे को महसूस हो कि मैं अगर इनसे बात करूं तो मुझे आगे से रिबटल मिलेगा। तो मुझे ये मेरा ख्याल है कि ये जो फीचर्स हैं उन्होंने मेरी लाइफ को मज़ीद बेहतर किया। और आफ्टर ऑल जो हमारी हारमोनी है वो बहुत ज़्यादा है। जब तक आपकी अपने पार्टनर से हारमोनी नहीं होगी, फ्रेंडशिप नहीं होगी, शेयरिंग नहीं होगी एंड ट्रस्ट नहीं होगा, ब्लाइंड ट्रस्ट, तब तक आपका ये रिलेशन नहीं चल सकता। और हमारे ट्रस्ट की वजह से ही हम अपनी ज़िंदगी के जो मसाइल हमें मिल के हल कर लेते हैं या उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, चैलेंजेस हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, उन चैलेंजेस की नेचर डिफरेंट है। मेरा चैलेंज विजुअल है, किसी का चैलेंज फिजिकल होगा, किसी का चैलेंज फाइनेंशियल होगा, किसी का चैलेंज उसकी पर्सनैलिटी होगी, वो अपने अंदर शायद लो और कॉन्फिडेंस फील करता हो कि आई एम नॉट गुड लुकिंग या इस तरह की चीज़ें। किसी का चैलेंज उसका शॉर्ट टेम्परामेंट होगा, कुछ लोग होते हैं उन्हें इख्तियार ही नहीं होता, वो जल्दी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ये मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। हम ये समझते हैं कि आप अपने चैलेंज की नेचर को अंडरस्टैंड करें। देखें जब एक शख्स के पास पैसा आ जाता है तो वो ड्राइवर रख लेता है, ऐसा ही करता है ना। Yes. पहले वो कहता है मैं गाड़ी ले लूँ, फिर वो कहता है मैं ड्राइवर रख लेता हूँ, फिर वो कहता है मैं कुक रख लेता हूँ। अगर मैं एज ए ब्लाइंड पर्सन ड्राइवर के साथ ट्रैवल करता हूँ तो दुनिया कहती है ये इनकी मजबूरी है। Yes, sir. अगर कोई अमीर शख्स ड्राइवर और गनमैन के साथ ट्रैवल करता है तो कहते हैं बड़ा शशका है। Yes, yes, ये सोचने का अंदाज है। अगर मैं चलता हूँ और मेरे साथ 4 स्टूडेंट चलते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ शेयर कर रहा था ऑन अ लाइटर नोट, बच्चे कॉलेज में इंटरमीडिएट के ग्रेजुएशन के होते हैं, आप लोग तो ज़ाहिर है उनके मुकाबले में मैच्योर हैं, तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर आपको कभी फील नहीं होता कि आप अकेले सड़क भी क्रॉस नहीं कर सकते, कभी फील हुआ आपको? मैंने कहा नहीं। कहते क्यों नहीं हुआ? फिर मुझे बच्चा कहते सर अगर आपकी नज़र वापस आ जाए, क्यों क्या करनी है? वो बड़ा परेशान हुआ। फिर अगले दिन मुझे कहता है सर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपकी नज़र वापस आ जाए? मैंने कहा यार उसके बगैर जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, तो मुमकिन है उसके आने के बाद इतनी खूबसूरत ना रहे, तो मैं उस चीज की दुआ करूंगा जो मेरे हक में अल्लाह ताला समझता बेहतर है। अच्छा तो मैंने सोचा यार देखो आप बाय कॉलेज से बाय जाते हो? जी। मैंने कहा अकेले जाते हो ना? हाँ जी। मैंने कहा बाकी टीचर जाते हैं? अकेले जाते हैं। प्रिंसिपल बाकी टीचर्स को कहता है तो मेरे नाल चलो राउंडला आइए कॉलेज का, आपके भी यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, मेरा तो तारिक साहब नाम है उनका, बोरा, अच्छा बोरा साहब, हाँ जी, और जफर साहब हैं। जफर साहब जब भी मूव करते होंगे उनकी ख्वाहिश होती होगी कि 3-4 मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, एक आध एसोसिएट साथ चले,
हमें किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। एक मेरे साथ नासिर, एक मेरे साथ बेगम, तीन चार पीछे दो तीन आगे, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो चीजों को आपने परसीव करना है अपने लिए खुद, आप उन्हें नेगेटिवली कर लें, आप उन्हें, अगर मैं इसे अपनी डिसेबिलिटी समझ लूं तो मैं तो एक दिन भी अपने कॉलेज नहीं जा सकता। अब यहाँ की क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं है, नई बिल्डिंग है, जब तक हम किसी एरिया के खुद से ओरिएंटेशन पूरी नहीं करते हमें लाया उस एरिया का पता नहीं चलता कि स्टेयर कितनी दूर है, यहाँ पे रूम्स कितने पास लेते हैं। जब हम एक ही जगह पे खुद फिजिकली जाते हैं, इंडिपेंडेंटली अकेले चलते हैं, तो हमें उस एरिया की ओरिएंटेशन हो जाती, फिर हम अकेले भी वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, आप परसेप्शन क्या बनाते हैं अपनी जिंदगी के हवाले। हाँ जी, आगे भी आप कुछ सर, मेरा एक सवाल है। जी जी, आप लोग कहाँ मिले थे? हम यार एंड मैरिज थी यार, आइए ये आप ही मेरे हमें सर ने कहा था एंड मैरिज, बस तो सर ने कहा बिलीव कर, सर ने बताया था कि मेरे फ्रेंड की बहन सिस्टर थी शायद, इनकी मेमोरी अच्छी है भाई, स्नेक है ये सर। अच्छा, इस तरह है कि स्कूलिंग हमारी एक ही स्कूल से है, मेरे से आयशा 2 साल सीनियर थी अपनी क्लास में, लेकिन आप यूं समझ लें कि शादी से 6 माह पहले तक कभी इमेजिनेशन में भी ये चीज़ नहीं थी कि हमारी शादी हो सकती है। वी न्यू ईच अदर वेरी वेल, ऑब्वियसली एक हिसाब से जानते थे एक दूसरे को, मैं जिस यूनिवर्सिटी चला गया ये जा रहा उसी चली गई, कभी बात भी नहीं हुई थी, इवन आई डोंट हैड हर कॉन्टेक्ट नंबर फोर ईयर्स, कभी कॉन्टेक्ट ही नहीं था। अगरचे इनके छोटे भाई मेरे क्लास वालों थे जो पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड जज हैं, यूसुफ सलीम, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे बन जाते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता उनके बारे में। इन 2015 मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा, तब मैं मेरी जॉब हो चुकी थी शादी के दायरे, अगर आपको पता नौकरी हो जाए तो बातें शुरू, नौकरी थी। हाँ जी, अच्छा जी, कब कहाँ कैसे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये रिलेशनशिप डेवलप हो जाए तो ये शादी कैसी रहेगी। मैंने तब भी कहा, मैंने कहा यार मुश्किल है, एक बड़ा ताल्लुक है भाई से, तो ये ओवरऑल एक मुश्किल चीज़ है, देखते हैं। खैर वो वहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद फिर जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं उन्होंने खुद मेरी मदर इन लॉ से बात की, और बाद में पता चला कि मेरी मदर लोग, मेरी मदर इन लोग पहले ही चाहती थी कि मेरी आयशा से शादी हो, उनको आयशा बहुत पसंद है। तो ये कुछ कोइंसिडेंस हैं जो आफ्टर लिंक बाय लिंक डेवलप होते रहे। तो वी गॉट मैरिड इन 2016, माशाल्लाह। तो मदर इन लॉ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें मैं पसंद था शुरू से, कॉलेज लाइफ से वो एज ए स्टूडेंट कह लें या सर उनका, तो मैं एज ए चाइल्ड भी आप कह सकती हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला। शी पास्ट अवे लास्ट ईयर ऑल ऑफ ए सडन। बाकी जो फादर इन लॉ है, आपको पता है कि जो ब्रदर इन लॉ का रिलेशन होता है ना मदर इन लॉ के साथ, वो नेचुरली ज़्यादा होता है। इसी तरह फादर इन लॉ का अपनी डॉटर इन लॉ से ज़्यादा एफिलिएशन होती है। यस सर। तो उनसे एक अच्छा रिलेशन है, फॉर्मल है, लेकिन मदर इन लॉ से बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी। बट थिंग्स गो दिस वे, जिंदगी या सबने आना है, सबने जाना है। बेशक। ए माँ का हाँ जी, और